श्योपुर चिकित्सालय विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल सामुदायिक केंद्र के संविदा कर्मचारी बैठे हड़ताल पर कटोरा लेकर मांगी भी कल कराएंगे मुख्यमंत्री शिवराज की सद्बुद्धि के लिए हवन। श्योपुर जिला चिकित्सालय तहसील विजयपुर कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनके साथ कोविड 19 कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं, जिससे जिला चिकित्सालय श्योपुर और कराहल विजयपुर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अपनी मांगों को सरकार से मनाने के लिए आज भी उनकी हड़ताल जारी रही। साथ ही नगर में घूमकर भीख भी मांगी। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से श्योपुर कराहल विजयपुर में वैक्सीनेशन व सैंपलिंग का कार्य पूर्ण रूप से ठप हो गया है। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं कोविड 19 में कार्यरत कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी घोषित किया जाए। इस हड़ताल से जिला चिकित्सालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्त सेवाएं लैब फार्मेसी ओपीडी कोविड वैक्सीनेशन सैंपलिंग सभी प्रभावित हुई। श्योपुर कराहल विजयपुर में स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी न होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शासन ने कोविड वालों की नियुक्ति की है। सभी लोगों के हड़ताल पर चले जाने से वैक्सीनेशन के कार्य के साथ अस्पताल में भी मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने इन लोगों की समस्या को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। श्योपुर से धीरज बालोचिया की खास रिपोर्ट।